एडमायर में आने वाला एमिडाग्लोब्रेट दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाले कीटनाशकों में से एक। यह कीटनाशक नियोनिकोटिनोइड्स ग्रुप का एक सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड है। साथ ही एडमायर एक जर्मन तकनीकी का उत्पाद है। बायर का यह कीटनाशक एडमायर, जिसमें एमिडाग्लोब्रेट 70% WG फॉर्मुलेशन होता है, यह कीटों के नर्वस सिस्टम में निकोटिनिक एसिटाइल कोलिनिक रिसेप्टर का विरोधी है। एमिडाग्लोब्रेट नर्वस सिस्टम को बंधित कर कोशिका को उत्तेजित कर देता है, जिससे कीटों की मृत्यु होती है। एडमायर एक ट्रांसलैमिनर कीटनाशक है, यानी कि पत्ती के नीचे छुपे कीटों को भी मारता है। किसान भाइयों, एडमायर का उपयोग क्यों करना चाहिए, क्यों है ये इतना विशेष? यह कीटनाशक जल में बेहतर घुलनशील, पौधों द्वारा बेहतर अवशोषित, कम खुराक में अधिक परिणाम देखने को देता है। साथ ही अधिकांश चूसने वाले कीटों को रोककर लंबी अवधि प्रदान कराता है। दानेदार होने के कारण संभालना मापना आसान हो जाता है। एडमायर के प्रयोग के बाद फसल पर फाइटोटोनिक प्रभाव पड़ता है, जिससे पौधे की वृद्धि बढ़ती है और तनाव से फसल को सुरक्षा भी मिलती है। आइए जानते हैं एडमायर का उपयोग किस फसल में किस कीट पर करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसका उपयोग कपास, चावल, खीरा, गोभी, मिर्च, बैंगन, गन्ना आदि फसलों में जेसिड, एफिड, थ्रिप्स, ब्राउन प्लांट ओवर आदि कीटों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। किसान भाइयों, बायर के एडमायर का उपयोग सभी तरीके के इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, टोनिक के साथ मिलाकर आसानी से किया जा सकता है। कोई भी साइड इफेक्ट या नुकसान देखने को नहीं मिलता। अब किसान भाइयों, एडमायर की एक सही डोज दर की बात करें तो इसकी जो सही डोज दर रहती है वो 30 से 50 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में एक एकड़ की डोज दर रहती है। और किसान भाइयों, 2 ग्राम का छोटा पाउच 10 से 15 लीटर पानी की टंकी में मिलाकर आसानी से उपयोग कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, एडमायर फसलों में कीटों को नियंत्रित कर फसल को एक बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार किसान भाइयों, आज हमने बात की बायर के एडमायर के बारे में, जिसमें एमिडाग्लोब्रेट 70% WG फॉर्मुलेशन होता है, जो कीटों से अपनी फसल को सुरक्षा प्रदान कराता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द। धन्यवाद।